नमस्कार और आप देखें पल पल। कोरोना संकट के चलते लोगों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जा रही है। आज फतेहाबाद के मुख्य चौक चौराहों पर स्वयं सहायता समूहों की और उससे जुड़ी महिलाओं द्वारा स्टॉल लगा करके आम जन को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए गए। ये नो लॉस और नो प्रॉफिट के आधार पर शुरू की गई योजना को SP फतेहाबाद ने शुरू करवाया। SP ने बताया कि आम जन को सस्ते और सुलभ मास्क तथा सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जा सकें, इसलिए ये स्टॉल लगवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन दिनों किसान भी बड़ी संख्या में अपनी फसलों को लेकर के मंडी में आ रहे हैं और संक्रमण से बचने का सबसे बड़ा उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है। अगर आम जन मुंह को ढक कर रखें और नियमों की पालना करता रहेगा तो कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शहर में अब जरूरी सामान की दुकानें 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक खुली रहेंगी और जरूरी सामान लोगों को मिलता रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोई भी लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना ना करें और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फतेहाबाद से राजेश भाबू की विशेष रिपोर्ट। सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से मास्क बेचने के बारे में एक केंद्र स्थापित किया गया है, क्या है इसकी पूरी भूमिका के बारे में? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मास्क लगाना जो है सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए, तो उसी दिशा में ये कदम उठाया गया है कि जब हम रोड पर जो लोग चल रहे हैं उनको पुलिस प्रशासन भी और अन्य लोग भी जो प्रशासन के हैं उनको टोकते हैं और उनको कहते हैं कि मास्क लगाना मैंडेटरी है, तो कई बार ये देखने में आता है कि उनको पता ही नहीं है मास्क कहाँ से लेकर आना है या कहाँ मिलेगा मास्क, तो उसी दिशा में ये कदम जिला प्रशासन द्वारा उठाया गया। बहुत ही सराहनीय कदम है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा मास्क बनाए जा रहे हैं ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पर इसको जो है यहाँ बेचा जाएगा। इसमें एक तरह से मास्क की अवेलेबिलिटी जो है आम लोगों के लिए जो कि रोड पर अपने आवश्यक कामों के लिए निकलते हैं उनको आसानी से उपलब्ध हो सके। उसके साथ साथ आप जैसा देख सकते हैं सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो मैं देखता हूँ आने वाले समय में जब लोगों के पास मास्क की ज़रूरत जैसे जैसे बढ़ेगी और ज़्यादा तो इस मास्क को दे सकते हैं। इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हो मैंने भी यही मास्क लगाया हुआ है और हमारे ज़्यादातर पुलिसकर्मी जो हैं इस तरह का मास्क लगा के रखते हैं और सरकारी कर्मचारी भी आप जैसा देख रहे हैं SDM साहब ने भी लगाया हुआ है। इस मास्क की खास बात यह है कि ये वॉशेबल है, तो मैं ये भी आग्रह करूँगा लोगों से कि जो यहाँ से मास्क खरीदते हैं वो दो खरीदें कम से कम, ताकि एक अगर आपने लगाया हुआ है और जब उसको आप यूज़ हो जाएगा पूरे दिन में अगले दिन उसको धो के दूसरे मास्क को आप लगा सकते। जिस तरह से कार्रवाई भी की जाएगी, जिस तरह बिना मास्क के कोई घूमता है तो क्या कार्रवाई रहेगी? बिल्कुल, पिछले दिनों से आप देख रहे हैं हमने जो बिना मास्क के दुकानदार जो हैं अपनी दुकानें खोल रहे हैं और ग्राहकों का भी जमावड़ा कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कुछ दुकानों के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। जहाँ पर भी पुलिस का नाका है हम लोगों को कुछ फ्री में बांटने के लिए भी मास्क जो है प्रशासन ने हमें उपलब्ध करवाए हैं सभी नाकों पर जो मुख्य नाके हैं उन पर, और उसके साथ साथ हम लोगों को गाइड भी करेंगे दुकानदारों को भी कि भाई आप यहाँ से मास्क खरीद सकते हैं। सर इसका रेट भी निर्धारित किया गया? क्या कह रहे हैं? रेट रखा गया। अच्छा, रेट है आप जैसा कि पढ़ सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है साफ, कॉटन का जो मास्क है 15 रुपये का एक मास्क है, तो दो आप मास्क लेंगे तो 30 रुपये का आपको मास्क पड़ेगा। सर जो मान लो गरीब आदमी अगर ना खरीद पाए तो उसके लिए क्या प्रोवाइड किया गया? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि NGO के माध्यम से भी और प्रशासन भी लगातार गरीब लोगों जो मंडी में जैसे आप देख सकते हैं मंडी में खरीद शुरू हुई है, तो जो वहाँ मजदूर काम करने आ रहे हैं उनको मार्केटिंग कमेटी के जो अधिकारी हैं वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो रिक्शा या इस तरह की जो रेडी लगाने वाले गरीब लोग हैं उनको भी हम लोग जो है ये मास्क फ्री में प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं आपको और भी सूचना देना चाहूँगा कि जो हमारी दुकानों की टाइमिंग्स हैं आवश्यक सामग्री की जो दुकानें हैं कल से उनका सबका एक ही टाइम कर दिया गया है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक फतेहाबाद शहर में जो आवश्यक सामग्री की दुकानें हैं जिसमें कि परचून की दुकान होगी या जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की जो ठीक करने की जो दुकानें हैं वो होगी, इसके अलावा जो सब्जी और दूध की दुकानें हैं जो उनकी टाइमिंग्स जो पहले से चल रही हैं सुबह की और शाम की। गृह मंत्रालय द्वारा पंखे की दुकानें भी गर्मी के मद्देनजर खोलने के आदेश दे दिए हैं, तो उनका कोई टाइमिंग किया गया? जी बिल्कुल, उनका भी 10 से 5 का टाइमिंग निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ किताबों की जो दुकानें हैं वो भी 10 से 5 की गई। जिस तरह सर पिछले दिनों कई नेता मंदी के अंदर आए थे सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई थी, गृह मंत्री द्वारा आदेश जारी कर दिए गए कि अगर कोई भी नेता हो चाहे वो सरकार का हो चाहे विपक्ष का हो उस पर कार्रवाई की जाएगी, इस तरह के कोई आदेश भी आपके पास गृह मंत्री? बिल्कुल, आदेश हमारे पास आए हैं, इसमें हमने आग्रह करेंगे अगर फिर भी उसके बाद ही देखने में आता है कि कोई इसका वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी चाहे वो कोई भी हो। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो जिला की पुलिस है, जिले की पुलिस इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो नशे के ऊपर भी बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है। कल भी जो है इल्लीगल शराब हमने जो है 2000 लीटर के आस पकड़ी है, कई भट्टियाँ बरामद की हैं
इससे पहले नशे के ऊपर भी जो है लगातार बड़े जो नशे के तस्कर हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और मैं लोगों से एक बार फिर से आह्वान करूँगा आप मीडिया के पत्रकारों के माध्यम से कि आप लोग जो है घरों में रहें, अन्यथा बाहर ना निकलें बिना किसी आवश्यक काम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।